तारीख 16 दिसंबर 2012। इसी तारीख की रात को निर्भया के साथ एक चलती बस में दरिंदगी हुई थी। इस घटना ने सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि क्या कोई इतना अमानवीय हो सकता है। आज भले ही निर्भया के कातिल सिंह चौक के पीछे हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये दरिंदे आज भी आजाद घूम रहे होते अगर उन्हें ये सबूत नहीं मिलते। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन से सबूत थे जिन्होंने निर्भया के दरिंदों को जेल की सलाखों तक पहुंचाने में अहम रोल निभाया। निर्भया के आरोपियों को सजा दिलाने में बस नंबर 0149 की महत्वपूर्ण भूमिका थी। घटना के बाद जब पुलिस को जानकारी मिली तो तीन अहम चीजें जांच के लिए सबसे पहले सामने आई। पहली, सफेद रंग की बस, दूसरी, बस पर यादव लिखा हुआ था, और तीसरी, बस में ड्राइविंग सीट पर भगवान शिव की मूर्ति लगी थी। मूर्ति को आरोपियों ने घटना के बाद बस से हटा दिया था। उस वक्त केस से जुड़े तत्कालीन SHO को एक मुखबिर ने बताया कि यादव ट्रेवल्स की एक बस रोजाना रात RK पुरम रविदास कैंप पर आकर खड़ी होती है, जिसके बाद घटना के अगले ही दिन यानी 17 दिसंबर को इस बस के स्टाफ को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद फॉरेंसिक टीम ने बस से निर्भया के बाल, उसके शरीर के मांस के कुछ टुकड़े और खून के नमूने बरामद किए। जिस लोहे की रोड से निर्भया को पीटा गया था, पुलिस ने वो भी खोज निकाली। बस की सीट पर कुछ खून के निशान भी मिले थे, और इस तरह धीरे धीरे केस की गुत्थी सुलझती गई और आज निर्भया के सभी गुनहगार जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए। अब वो दिन भी दूर नहीं जब निर्भया के कातिलों को फांसी पर लटकाया जाएगा। निर्भया संग दरिंदगी से लेकर कातिलों को सजा मिलने में इस बस ने अहम रोल निभाया था। अगर बस वाला सबूत नहीं मिलता तो दरिंदे आज भी खुली हवा में घूम रहे होते। टीम खबर अपडेट।